हेलो गाइस, तो आपको पता ही होगा कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक चैलेंज क्रिएट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आरजीएस ने मेरे चैलेंज को प्लगइन में ऐड नहीं किया। इसलिए मैंने चैलेंज को न्यू अपडेट में जो रैम्स आए थे उनके साथ ऐड कर चैलेंज को कस्टमाइज किया है। तो लेट्स गो, मैं अपने चैलेंज को आपको दिखा देता हूं। तो चैलेंज स्टार्ट होता है, आपको यहां पर पल्सर आरएस 200 बाइक देखने को मिल जाएगी। फिर यहां पर आपको फुल स्पीड में चलते हुए इन पंखे को पार करना है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस यहाँ पर 3 रैम्स और 2 पंखे ही थे। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा जम कर यहाँ पर 3 रास्तों में से एक रास्ते को चूज करना है। मैं तो यहाँ पर मेरे सामने वाले रास्ते पे ही चलता हूँ। अगर आपको भी सामने वाले रास्ते पे चलना है तो यहाँ पर आपको अपनी बाइक की फुल स्पीड रखनी है। और अगर आप इन दोनों रास्तों पर जाओगे तो मुझे नहीं पता आप कहाँ पर जाकर गिरोगे। और यहाँ पर आपको इस रैंप पर लंबी छलांग लगाकर क्रैश लैंडिंग करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो, और अब वहाँ पर आपको सामने बिल्डिंग दिख रहा होगा। मैं कहाँ पर जाकर गिर रहा हूँ भाई, गलती से मैं थोड़ा साइड में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैं अभी भी बिल्डिंग पर ही हूँ। चलो, मैं वापस एक बार लंबी छलांग लगाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने जंप लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा लंबा भी जंप नहीं करना है, नहीं तो आप सीधा इन सीढ़ियों पर जाकर क्रैश लैंड करोगे। चलो अब इन सीढ़ियों पर चल के ऊपर चलते। और यहाँ पर आपको बिल्डिंग के अंदर से भी सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, इसलिए आपको यहाँ पर जंप कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाना है। बस ज्यादा आगे मत चल जाना, वरना आप गिर जाओगे। यहाँ पर आपको शॉर्टकट रास्ता यूज करने के लिए वापस यहाँ पर जंप करना है, आप सीधा दूसरी सीढ़ी पर चल जाओगे। लेकिन आपका पैर अभी भी सीढ़ी के अंदर है, इसलिए आपको जंप करके बाहर निकाल लेना है। फिर आपको यहाँ पर वापस जंप करना है। फिर आप सीधा जादुई तरीके से इस फूलबुलिया के अंदर आ जाओगे। और यहाँ पर आपको और एक बाइक देखने को मिलेगी। फिर आपको अपने बाइक पर बैठकर इस फूलबुलिया को पार करने के लिए चल देना है। और यहाँ पर पहला रास्ता जो आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, वहाँ पर मुड़ जाना है। और आपको इस बेजियर को फॉलो करते हुए जाना है। ये देखो, मेरे सामने यहाँ पर बेजियर आ गया। अगर आपके सामने ये बेजियर आया, मतलब आप सही रास्ते जा रहे हो। तो इन सारे बेजियर को मैं फॉलो करते हुए यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर 3-3 पंखे लगे हुए जो कि इतने भी हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पर आपको छोटा सा जंप करना है। फिर यहाँ पर इस रैंप के ऊपर से आपको जंप करना है। भाई कुछ ज्यादा ही आगे चला गया मैं, अब तो मैं आपसे छोटा सा जंप करूंगा। ये देखो, यहाँ से आपको यहाँ पर आकर लैंड करना है। फिर यहाँ पे इस कंटेनर के सही दिशा में मुड़ने का वेट करना है। और फिर कंटेनर के सही दिशा में आते ही आपको उसके ऊपर चढ़ के धीरे से जंप करना है। और फिर आप यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस चैलेंज की सबसे मजेदार चीज, मतलब ये खड्डे वाला रैंप। मतलब इन रैंप्स के बीच बीच में आपको बहुत सारे खड्डे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये रैंप इतना भी हार्ड नहीं है। जैसे ही आप इस रैंप के ऊपर से नीचे उतरोगे, वहाँ पर आपको एक रेड कलर का कंटेनर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें उतरने का साइन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से उतर जाना है। फिर यहाँ पर आपको पैदल ही चल के जाना है। और आपको यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी जो कि एयरपोर्ट के टावर पर गोल गोल घूमते हुए ऊपर जा रही है। और ऊपर जाते वक्त ये बात ध्यान रखना, कहीं ये पंखा आपको नीचे उठा के ना फेंक दे, इसलिए थोड़ा जल्दी भी चलना और ध्यान भी रखना। और ऊपर जाते ही आपको एक बाइक देखने को मिल जाएगी, जिस पर आपको बैठकर इन 4-5 पंखों को पार करना है। और हाँ, मैंने इस चैलेंज को हार्ड बनाने के लिए इन पंखों को एक तरीके से लगाया है, जैसे कि एक जैसे ऊपर जाएगा, एक नीचे से ऊपर आएगा। और थोड़ी सी भी गलती आपसे हुई तो ये बाइक के बीच में फंसकर आपको नीचे या फिर ऊपर फेंक देगा। और आप जैसे इन पंखे को पार कर लोगे, आपको बीच में गड्ढा दिखाई देगा जिसके अंदर घुसने का ये एरो हमें इशारा कर रहा है। और इसके नीचे जाते हैं, आपको एक रैंप्स के बड़े से पुल देखने को मिल जाएगी जो कि ऊपर नीचे है। और इस रैंप में ट्विस्ट भी है, मतलब ये पंख है जो कि बोझ डाल दे भाई। आपको सिर्फ दोनों तरफ पतले पतले से रास्ते देखने को मिलते हैं, जिनको तो मैं आराम से यू पार कर लेता हूँ। ये देखो, अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको जेट पैक से ही दिखा देता हूँ, जिससे मैं आपको जल्दी भी दिखा पाऊंगा और आप इसको जल्दी से भी प्ले कर पाओगे। और जैसे ये पंखों वाला रैंप खाली हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर घूमने वाला कंटेनर देखने को मिलेगा। फिर ये सांप वाला रास्ता जो कि इस गेम का स्पेशल है, क्योंकि इस सांप वाले रास्ते पर तो खड़े होकर आपको आइल वार्जिस देखने का असली मजा आएगा। और इस सांप वाले रास्ते को पार करते ही आपको एक घुमावदार सीढ़ी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको एक बैग देखने को मिलेगी। फिर आपको इन छोटे मोटे रैंप्स को पार करना है। और आइले वाजी इसको देखकर ऐसा मत सोच लेना कि रैंप का एंड हो गया, असली भारी पड़ाव तो यहाँ पर शुरू हुआ है गाइस, क्योंकि ये बोट वाला रास्ता इतना ज्यादा मुड़ा हुआ है, लेकिन ये बोट इतनी जल्दी मुड़ता नहीं है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हार्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, ये रास्ता छोटा ही है। और इसको पार करने का तरीका तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इसलिए देख लेना। फिर आपको यहाँ पर पानी में एक अंदर से रैंप देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है मेरे भाई। और फिर इस नेट कंटेनर को पार करने के बाद यहाँ पर आपको और एक घुमावदार सीढ़ी देखने को मिलेगी। और असली मजे तो यहाँ पर
रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस सेम को आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर भी बीच में आपको गड्ढे देखने को मिल जाएंगे जो कि इतने भी ज्यादा बड़े नहीं है, आप इस कार से आराम से पार कर लोगे। और यहाँ पर आपको एक पतला सा रास्ता देखने को मिलेगा, उससे आपको नीचे जाकर इन सीढ़ियों के ऊपर से चलते हुए यहाँ पर मैजिकल तरीके से बिल्डिंग में घुसकर यहाँ पर ऊपर आना है। बस ऊपर इन पंखों का ध्यान रखना है, फिर आपको यहाँ पर इस बाइक को लेकर इस सेम को पार करना है। और फिर आपको यहाँ पर एक खतरनाक रैंप का सामना करना होगा जो कि इतना भी खतरनाक नहीं है, यहाँ से आप सोचली तरीके से सीधा यहाँ पर कूद सकते हो। बस इस पंखे का ध्यान रखना वरना ये पंखा आपको सीधा नीचे फेंक देगा। और यहाँ पर आपको और एक पुलपुले में जाना है जो कि इतना भी हार्ड नहीं है, इसमें बस सीधे सीधे रास्ते, लेकिन इन रास्तों में सही रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। और इतनी मेहनत करने के बाद आप सीधा पहुंच जाओगे पार्क में जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन यू आर विनर, जिसके पीछे एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। तो आरजे स्पाइस पर जल्दी से मैंने चैलेंज मोड को प्लगइन में ऐड कर देना, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिना बोले तो आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। आप मैंने बोल दिया है तो आप सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। बाय बाय।